नमस्कार, तारीख देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी। कहते हैं इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपनों में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में जानते हैं आज यानी 16 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 16 नवंबर को बेनजीर भुट्टो को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की गद्दावर सियासी शख्सियत में शुमार किया जाता है। उन्हें एक मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है। ये बात भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने ये पद दो बार संभाला। पहली बार 16 नवंबर 1988 को वह देश की प्रधानमंत्री चुनी गई, जब उनकी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने चुनाव में सफलता हासिल की, और दूसरी बार वह 1993 में प्रधानमंत्री बनी। हालांकि दोनों ही बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। साल 1988 में बेनजीर ने बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन साल 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इशक खान ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 1993 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन साल 1996 में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी सरकार को दोबारा बर्खास्त कर दिया गया। उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा और 27 दिसंबर 2007 को एक बम धमाके में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 16 नवंबर को और भी कुछ घटनाएं दर्ज हैं, आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। 16 नवंबर 1713 बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा नियुक्त किया। 16 नवंबर 1776 ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिका की क्रांति के दौरान फोर्ट वॉशिंगटन पर कब्जा किया। 16 नवंबर 1840 न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बना। 16 नवंबर 1916 रूस के लासतायना स्थित कारखाने में विस्फोटक से 1000 लोगों की मौत। 16 नवंबर 1933 अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।